आज हम दुपट्टे से कान्हा जी का गेटअप तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो दुपट्टे लिए क्योंकि एक दुपट्टा छोटा पड़ेगा और दोनों दुपट्टे में एक तरफ नॉट लगा लिया है। अब इस नॉट को हम पीछे की तरफ सेंटर में रखेंगे। ये नॉट सेंटर में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और आगे से भी दोनों दुपट्टे में एक नॉट लगा लेंगे। लेफ़्ट साइड से दुपट्टे का पीछे का जो पोर्शन आगे लाएंगे और उसे लोअर में सेफ्टी पिन से अटैच कर देंगे, और आगे का जो पोर्शन था उस दुपट्टे को हम पीछे ले जाएंगे और प्लीट्स बना के पीछे टक इन कर देंगे। इस तरह से ये धोती का लुक क्रिएट हो रहा है। अब सेम वे में हम राइट साइड से भी जो धोती हमने दुपट्टा बांधा है उसे भी आगे लाएंगे और लोअर में सेफ्टी पिन से अटैच कर देंगे ताकि वो ओपन नहीं दिखेगा, पूरा अच्छे से धोती जैसे लुक आएगा। फिर फ्रंट पोर्शन जो धोती का है उसे पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन हमने जो पहले से प्लीट्स बनाया उसके नीचे ही टक इन कर देंगे और यहाँ पीछे हम सेफ्टी पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे ताकि वो निकले नहीं। अब जो पोर्शन रह गया दुपट्टे का उसे आगे लाएंगे फ्रंट में और इसका प्लीट्स बना लेंगे हम। प्लीट्स बनाने के बाद इसे हम अंदर टक इन करेंगे और इसे वहीं से सेंटर से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब ये धोती में जो पोर्शन आगे रहता है तो ऐसा भी हम रख सकते हैं और चाहें तो ऊपर से भी एक अलग कमर में दुपट्टा बांध सकते हैं। सेम वे में दुपट्टे में नॉट लगाएंगे और यहाँ पे मैंने तीनों जो पोर्शन हैं दुपट्टे के, दो पोर्शन और बीच में ब्लू, तीनों को अटैच करके एक सेफ्टी पिन से अटैच कर दिया है। इस तरह से धोती का लुक ये क्रिएट हो गया है विद द हेल्प ऑफ दुपट्टा। अब यहाँ पे जो भी ज्वेलरी है वो पहना देंगे। ये कंगन ग्लिटर शीट से बनाए हैं, वही है पिछले भी वीडियो आप मेरे कान्हा जी का देख सकते हैं। अब पाउडर काजल अप्लाई करने के बाद आई शेडो हम ब्लू और पिंक का अप्लाई कर रहे हैं और फिर आईलाइनर लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं माधवी के बाल शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि जिसके भी शॉर्ट बाल हैं तो आप भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। क्लचर लगा के बालों को शॉर्ट कर दिया है। अब पगड़ी के लिए यहाँ पे मैंने एक कलरफुल दुपट्टा लिया है जिसको इस तरह से रोल करते हुए हम पगड़ी बांध लेंगे। एक साइड से रोल करते हुए आएंगे और बच्चे को हाथ में पकड़ा दीजिए टाइटली और दूसरी तरफ से अच्छे से रोल करते 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 आएंगे और पीछे की तरफ इसको टक कर देंगे। और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन भी आप लगा लीजिए ताकि वो निकले नहीं। और यहाँ पे सामने मैं एक साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ पगड़ी में अच्छा सा लुक क्रिएट करने के लिए और मोर पंख लगा। अब कुमकुम, वाइट कुमकुम और रेड कुमकुम से मैं यहाँ पे तिलक क्रिएट कर। तिलक आपको जैसा लगाना आप वैसा लगा सकते हैं। अगर आपके पास वाइट नहीं है तो वाइट पाउडर लेके उसमें पानी मिला के पेस्ट बना के भी तिलक लगा सकते। अब कमर बंद पे मैं यहाँ पे एक नेकलेस ले रही हूँ जिसको कमर बंद की तरह यूज़ कर रही हूँ। और ये कान्हा जी की हमारी बंसी, ये बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट किया है। आपको कैसा लगा? पिछले वीडियो को भी आप देखिएगा ज़रूर, वो भी उसमें भी कान्हा जी का लुक क्रिएट किया है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, राधे राधे।